नाराना के एनसेट 2024 का 2024 का 19th एडिशन का लॉन्चिंग सेरेमनी में हम लोग सब शामिल हुए। सबसे पहले तो ऑलरेडी डेस्क पे अनुराग मिश्रा सर हैं, अरविंद सर हैं, सब लोगों ने लगभग 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि डिफरेंट IITs और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ाया है। क्योंकि ऑन एन एवरेज एवरी ईयर एनसेट एग्जाम में 2.5 लाख बच्चे जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 10% बच्चे, 10-20% बच्चे को हम लोग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 100% ट्यूशन भी फ्री है, 90% तो डिफरेंट स्लैब्स हैं। बट मैं अगर फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि थ्रू एनसेट, और भी डिफरेंट एग्जाम हैं बट थ्रू एनसेट जो है 50,000 बच्चों को हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया और अच्छे किया है। नेक्स्ट, इस एनसेट एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न जस्ट 1 आवर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। उसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड IQ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट ओनली 1 आवर, इस साल हमने 1 आवर का रखा है, जो कि 6th and 20th अक्टूबर 2024 को ऑफलाइन मोड में होगा, एंड ऑनलाइन मोड में 7-11 अक्टूबर एंड 14-19 अक्टूबर। मीन्स ऐसे जस्ट आप याद रखो, 6th and 20th को ऑफलाइन है, बीच में 7 से लेकर 19 तक ऑनलाइन एग्जाम। मीन्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिया गया है बच्चों को। जो बच्चे मान लीजिए कि हमारे सेंटर, जो हमने सेंटर बनाया है, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन मोड पे भी दे सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्कूल जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। हर स्कूल में हमारे फॉर्म अवेलेबल रहते हैं, हमारे ब्रांचेज पे अवेलेबल रहेगा। जैसे कि नारायणा का अगर हम बात करें, पूरे पैन इंडिया 23 स्टेट्स में नारायणा का सर्विसेज है। लगभग 800 यूनिट्स है नारायणा का, 800 यूनिट्स है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सारी चीज़ लेकर। मीन्स नारायणा को बोला ही जाता है KG to PG, हर ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। लगभग 6 लाख बच्चे हैं जो कि नारायणा में स्टडी कर रहे हैं। मोर देन 50,000 फैकल्टीज हैं, ओनली टीचिंग स्टाफ होंगे मोर देन 50,000। तो जो नारायणा का है, कोचिंग है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, मेडिकल कॉलेजेज है, नर्सिंग है, योगा हर तरह का है, प्लस जो जूनियर कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं, नर्सरी टू लेकर, जो हमने बताया टोटल 800 यूनिट्स, इसमें ये सारे चीज़ कंबाइंड करके हमने बोला है। रही बात नारायणा का रिजल्ट का, नारायणा का रिजल्ट आप कहीं भी देखेंगे, अगर टॉप 10 में देखेंगे 50% नारायणा है। अगर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम को, आइदर जेई मेन हो या जेई एडवांस हो या नीट हो या ओलंपियाड हो, ऑलमोस्ट 50% हमारा रेशियो रहता है। आप अगर आएंगे टॉप 10 की मैं बात बोला, टॉप 100 में भी आएंगे तो 35-40% नारायणा के बच्चे रहेंगे। मीन्स आप जिस बकेट में जाएंगे नारायणा का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होगा। इसका एक ही रीज़न है, जो नारायणा के एकेडमिक सिस्टम है, जो नारायणा के एकेडमिक सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक सिस्टम है। ओके, मेरा नाम श्याम भूषण है, नेशनल एकेडमी के नारायणा कोचिंग सेंटर। ये एनसेट जो है मेरा रेगुलर फीचर है, और ये एनसेट का 19th संस्करण का आज हम लोग ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। एनसेट से एक्चुअली मेन जो इसका बेनिफिट है, पिछले 18 इयर्स में, जो लास्ट 18 इयर्स हम लोगों ने एनसेट कराया है, जो फिनेंशियली पुअर हैं उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि नारायणा का ये सिंगल टेस्ट है जिससे मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलता है। मीन्स अभी तक अगर लास्ट 18 सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो इंडिया के, इस देश के नामचीन जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, IITs और मेडिकल कॉलेजेज है, उसमें लगभग 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिसको कि नारायणा ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, और आज उन कॉलेजेज में वो पढ़ाई कर रहा है। जो ये एनसेट हमारा है, इस एनसेट में जस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हम लोग टेस्ट लेंगे, और ऑन एन एवरेज 2.5 लाख बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इस साल हम लोगों ने ये टेस्ट को क्लास 5 से लेकर क्लास 11 साइंस तक के बच्चों का रखा है, और ये टेस्ट जो है
ये टेस्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन मोड में 6th and 20th अक्टूबर को हम लोग ले रहे हैं, ऑनलाइन मोड में जो है 7th to 11th अक्टूबर एंड 14th to 19th अक्टूबर ले रहे हैं, जो कि ये ओनली एक घंटे का टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव मोड में टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मीन साइंस, मैथ और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन मेनली पूछे जाएंगे। तो बच्चों को जो है जो ये एनसेट से, और भी हम बताने जा रहे हैं कि और क्या इससे बेनिफिट है। एक तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं अर्ली एज में, उनको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का उसको एक्सपोजर मिलता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक्सपोजर मिल गया, उसको जो है ना ऑल इंडिया रैंकिंग मिल रहा है, मेडल ट्रॉफी तो ये मिल ही रहा है। और जो बच्चे आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, ये जो स्कॉलरशिप है, लगभग हम लोग 50 करोड़ का तो स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं और 1 करोड़ का कैश प्राइजेज मिलने जा रहा है। तो जो भी है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, बच्चे वेट करते हैं, ये 18 ईयर से है। आज भी काउंटर पे ऐसे आके पेरेंट हैं जो कि ये पूछते हैं कि आपका एनसेट एग्ज़ाम कब है, आपका एनसेट एग्ज़ाम कब है। इसका मेनली एक ही रीज़न है कि बच्चों को, पेरेंट को ऑलरेडी सारे इंडिया में पता है कि इस एग्ज़ाम के थ्रू मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलता है। तो जो भी फिनंशियली पुअर है वो लोग ज़्यादा वेट करते हैं इस एग्ज़ाम का। तो आज उसी का हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं। अभी पूरे जो है ना ये जुलाई में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, अक्टूबर 6th, ये याद रखना है, अक्टूबर 6th को जो है फर्स्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम है, फिर जो है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो कि 7th to 19th के बीच में है, और ये जो है ना 20th अक्टूबर को जो है, 20th अक्टूबर को अगेन ऑफलाइन मोड में होगा। डिफरेंट कैटेगरीज का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? डिफरेंट कैटेगरीज का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? नहीं, आप सिलेक्ट करेंगे? नहीं, ये जो है ना क्लास वाइज जो है ना हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जैसे क्लास 5 के बच्चे हैं, 6 का है तो क्लास 5 का अलग रैंकिंग आएगा, क्लास 6 का अलग रैंकिंग आएगा, 7 है, 8 है, 9 है, 10 में IIT नीट, वहाँ से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे जो है ना क्लास वाइज हम लोग रैंकिंग देते हैं, ठीक है, जो भी है। इनफैक्ट सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग आएगा, टोटल वाइज रैंकिंग आएगा, उनको स्कॉलरशिप रहेगा जो हम लोग रिजल्ट देंगे। साथ साथ ये सारे रिजल्ट जो है ना हमारे वेबसाइट, हर जगह उनको हमारे ब्रांचेज पे अवेलेबल रहेगा। ये आप स्कॉलरशिप देंगे आप 1 करोड़ के बच्चों को, तो इसके बारे में 50 करोड़ क्या स्कॉलरशिप देंगे? 1 करोड़ तो कैश प्राइज देंगे, एक बच्चे को तो नहीं देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ। पूरे जो हमने जो देंगे, जितने बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसका पूरा वर्थ जो आ रहा है ना वो 50 करोड़ आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कि वो मेरिटोरियस है, उनको तो पूरा फी वेवफ हो गया, साथ साथ सम जो है ना कैश प्राइजे जा रहा है, तो वो 1 करोड़ भी सारे टॉपर बच्चों में डिवाइड होगा। वही हम स्टेप समझना चाहते थे कि आपका क्या मतलब स्टेप होगा देने का बच्चों? नहीं, वो जब जैसे वो जो बच्चे जो नहीं मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए मेरा 2 ईयर का कोर्सेज के लिए जो है ना वो सेलेक्ट हुआ और उसको कैश प्राइज 50,000 मिला है, तो मैं जैसे जैसे उसका है ना हर 6 मंथ पे क्वार्टरली वो बना हुआ है स्लैब कि ऐसे ऐसे आपका पार्ट पेमेंट आएगा। क्योंकि मैं भी तो देखूंगा ना, बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मैं कैश प्राइजेज भी दे रहा हूँ, बट उनसे केवल ये नहीं, उनको पढ़ा के मुझे अच्छा कराना है, रिजल्ट देना है। तो साथ साथ जो है ना वो स्टेप बाई स्टेप लिंक्ड है, जैसे है उनको जो है ना मिलता जाएगा कैश प्राइज। पार्टिसिपेंट के लिए जैसे क्या है कि कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, 100 रुपीज़ हम लोगों ने चार्ज रखा है। बट जो स्कूल, अगर सपोज कीजिए कि उसके यहाँ के टॉपर बच्चे को स्कूल प्रिंसिपल अगर रेकमेंड करते हैं, तो हर क्लास के 5 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि स्कूल प्रिंसिपल के सिग्नेचर से मीन्स अगर लेटर पेड पर लिख कर देते हैं, तो उन बच्चों को ये 100 रुपीज़ वेव ऑफ हो जाएगा। कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुका है यहाँ? ये पूरे मैंने बोला ना 18 ईयर में आप मान के चलो 40-50 लाख बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। 50,000 बच्चों को तो मैंने बोला ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना IIT और नीट का, IIT और मेडिकल कॉलेजेस में से पढ़ाई कर रहा है। इसमें जो है जो बच्चे बैठेंगे, जो हमारा 100 से लेकर 10% तक का स्लैब है, मैं हर बच्चे में जो है ना बांट रहा हूँ, जो नॉट सेलेक्टेड है वो नॉट सेलेक्टेड है, जो भी सेलेक्टेड बच्चे हैं ना, तो मान के चलिए 80% बच्चे सेलेक्टेड रहते हैं, तो उन सब में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।